हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं विजय सिंह, वीपीएस मोटिवेशन एंड इंश्योरेंस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज आप सबको एक ऐसी पॉलिसी के बारे में बताऊंगा जो कि आप सब लोग कन्यादान पॉलिसी के नाम से जानते हैं, और ये प्लान बहुत ही बेहतरीन प्लान है। उसके बारे में मैं आगे चर्चा करूँगा। उसके पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा आप तक नोटिफिकेशन जाएगा और आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं बता रहा हूँ एक कन्यादान पॉलिसी। सो LIC के पास ऐसी कोई कन्यादान नाम की पॉलिसी नहीं है, लेकिन एक पॉलिसी है जिसे लोग कन्यादान के नाम से जानते हैं। वो प्लान है LIC का न्यू जीवन लक्ष्य प्लान, टेबल नंबर 933, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्लान है। उसमें सारे बेनिफिट्स जो कि एक पॉलिसी होल्डर को चाहिए अपनी बेटी का फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए और अपने परिवार के फ्यूचर के लिए, और उस कुछ लमसम अमाउंट जो शादी ब्याह के लिए मिले, ये सारे फीचर्स इस प्लान में है। इसलिए इसे कन्यादान पॉलिसी के नाम से जानते हैं। इसके फीचर के बारे में बात करता हूँ। प्रोडक्ट डिटेल है, प्रीमियम पेइंग टर्म्स है, यानी पॉलिसी आप जितना साल प्रीमियम भरते हैं उसको PPT बोलते हैं। पॉलिसी टर्म, कितने साल की पॉलिसी आप लेते हैं तो वो PT बोलते हैं उसके, और PPT इज इक्वल टू पॉलिसी टर्म माइनस 3 होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप 21 साल की पॉलिसी लेते हैं तो उसमें से माइनस 3 करेंगे तो आपको 18 साल PPT आएगा, यानी 18 साल आपको पॉलिसी भरना है, 18 साल की PPT आपको मिलती है। बाकी का लास्ट का 3 साल आपका कूलिंग पीरियड आएगा, आपको कोई भी उस दरमियान कोई भी प्रीमियम भरने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। एक इसमें है, दो सम एश्योर्ड होता है, जैसे एक बेसिक सम एश्योर्ड होता है और एक डेथ सम एश्योर्ड होता है। तो डेथ सम एश्योर्ड क्या होता है, 110% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड। सपोज़ अगर बेसिक सम एश्योर्ड 1,00,000 है तो उसका डेथ सम एश्योर्ड हो जाएगा 110%, 1,00,000 का, तो 101,10,000 ये उसका डेथ सम एश्योर्ड हो जाएगा। इस तरह से डेथ सम एश्योर्ड और बेसिक सम एश्योर्ड काउंट करते हैं। डेथ सम एश्योर्ड जब डेथ होता है तो उस टाइम पे मिलता है, और बेसिक सम एश्योर्ड मैच्योरिटी में मिलता है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। इसमें है, मिनिमम पॉलिसी टर्म है 13 साल, मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है 25 साल, और मिनिमम सम एश्योर्ड है 1,00,000। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, ये डिपेंड करता है आपका इनकम प्रूफ कितना अच्छा है। आपका इनकम प्रूफ अच्छा रहेगा तो आपको मैक्सिमम जो है सम एश्योर्ड मिल सकता है, ये आपका इनकम प्रूफ पे डिपेंड करता है। सो आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी में मिनिमम एज एट एंट्री है 18 साल कंप्लीट होना चाहिए, और मैक्सिमम एज एट एंट्री है 50 ईयर्स नियरेस्ट बर्थडे, एंड मैक्सिमम मेच्योरिटी एज है 65 ईयर्स नियरेस्ट बर्थडे। ये एलिजिबिलिटी है, अगर 18 साल का बच्चा है तो वो पॉलिसी इसको ले सकता है। नेक्स्ट है मोड रिबेट। अगर आप ईयरली मोड लेते हैं तो 2% ऑफ टेबुलर प्रीमियम में आपको डिस्काउंट मिलेगा, हाफ ईयरली लेते हैं तो 1% ऑफ टेबुलर प्रीमियम में डिस्काउंट मिलेगा। टैक्स बेनिफिट की बात करते हैं तो उसमें मैच्योरिटी जो है आपको टैक्स फ्री रहेगा अंडर सेक्शन 1010D, और जो भी आप प्रीमियम भरेंगे इस प्लान के में वो एलिजिबल रहेगा टैक्स रिबेट के लिए अंडर सेक्शन 80C के लिए। तो ये सब भी बेनिफिट्स आपको इसमें दिए जाएंगे, और ये बहुत ही बेनिफिट अच्छे बेनिफिट्स हैं, जिसमें कि आप प्रीमियम भी जो भरते हैं उसका भी बेनिफिट लेते हैं इनकम टैक्स से, और जो आपको रिटर्न्स मिलता है वो भी आपको टैक्स फ्री होता है 1010D के हिसाब से। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है इस पॉलिसी में। दूसरा है मोड ऑफ पेमेंट। इसमें सारे मोड्स अवेलेबल हैं, आप ईयरली ले सकते हैं, हाफ ईयरली ले सकते हैं, क्वार्टरली ले सकते हैं, मंथली ले सकते हैं, ये सब मोड्स अवेलेबल है। लेकिन अगर हाफ ईयरली और ईयरली लेते हैं तो आपको मोड रिबेट का बेनिफिट इसमें मिल जाएगा। सो बेटर रहेगा आप ईयरली या हाफ ईयरली चूज करें। एक्स्ट्रा टाइम की बात करते हैं, जो एक्स्ट्रा टाइम आपको पेमेंट के लिए मिलता है ग्रेस पीरियड में, वो आपको पॉलिसी भरने के लिए एक एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। उस ग्रेस पीरियड में अगर डेथ
होता है तो LIC कंसीडर करती है। ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली के लिए 30 डेज रहता है, मंथली के लिए 15 डेज रहता है। तो मंथली वाले 15 डेज बिल्कुल नहीं काउंट करें, अपना टाइम टू टाइम प्रीमियम भरते रहें। लोन फैसिलिटी अवेलेबल है, आपकी 2 साल पॉलिसी पुरानी होनी चाहिए, प्रीमियम भरा हुआ होना चाहिए, तो लोन ले सकते हैं। उसी तरह से सरेंडर भी आप कर सकते हैं, 2 साल कंप्लीट हुई होनी चाहिए पॉलिसी और प्रीमियम भरा हुआ होना चाहिए। ऑप्शनल राइडर की बात करते हैं। फर्स्ट राइडर है इसमें एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, सेकंड है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, थर्ड है टर्म एश्योरेंस राइडर एंड फोर्थ है न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। ये आप राइडर लेते हैं तो इसके लिए थोड़ा आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम भरना पड़ेगा, लेकिन लेंगे तो आपको अच्छा बेनिफिट इसमें मिलेगा। एक्सीडेंटल में एक्सीडेंटल एक सम एश्योर्ड एक्स्ट्रा मिलेगा। और बात करते हैं पॉलिसी रिवाइवल की। अगर पॉलिसी लैप्स हो गया है तो उस पॉलिसी को 5 साल के भीतर, 5 साल तक के अंदर आप पॉलिसी को चालू कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेकर के समझाने के प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मिस्टर एक्स जो है एज 30 है और ये जीवन लक्ष्य प्लान टेबल नंबर 933, उन्होंने सम एश्योर्ड 5 लाख चूज किया है, पॉलिसी टर्म 21 साल है, प्रीमियम पेइंग टर्म 18 साल है, और एक उन्होंने राइडर लिया है वो है एक्सीडेंटल राइडर 5 लाख का, टर्म राइडर नहीं लिया। अगर टर्म राइडर भी लेते थोड़ा सा प्रीमियम भरना होता ज़्यादा, लेकिन एक 5 लाख का उनको और भी बेनिफिट मिल सकता था। तो प्रीमियम की बात करते हैं। फर्स्ट ईयर प्रीमियम इंक्लूडिंग 4.5 GST है, ईयरली प्रीमियम 27,145 है, हाफ ईयरली है 13,716, क्वार्टरली है 6,929, मंथली है 2,309 रुपये। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर ऑनवर्ड का। सेकेंड ईयर से GST आपका 2.25 हो जाएगा, ईयरली प्रीमियम 26,560, हाफ ईयरली 13,420, क्वार्टरली 6,780 और मंथली जो है 2,260 रुपये। ये प्रीमियम आपका आगे तक चलता रहेगा जब तक कि PPT रहेगी, और उस समय तक आपका ये प्रीमियम चलता रहेगा। अब बात करते हैं सर्वाइवल बेनिफिट। सर्वाइवल बेनिफिट में आपका जो बेसिक सम एश्योर्ड है 5 लाख वो मिलेगा, प्लस बोनस, जितने आपका बोनस जितना हो जाएगा लगभग 5,14,500 रुपये, फाइनल एडिशनल बोनस 50,000 रुपये, टोटल अप्रॉक्सीमेट रिटर्न आ रहा है 10,64,500 रुपये। ये आपका अप्रॉक्सीमेट रिटर्न रहेगा जब तक ये पॉलिसी जैसे में चलती है और मेच्योरिटी में ये बेनिफिट मिलता है, अगर पॉलिसी होल्डर सर्वाइव रहा पॉलिसी टर्म तक तो। और ये बता, ये जो है कैलकुलेशन मैंने बताया है, ये आज के हिसाब से ये कम ज़्यादा हो सकता है। अब मैं बात करूँगा इस प्लान को कन्यादान पॉलिसी क्यों कहते हैं और क्या बेनिफिट है, किस वजह से कन्यादान के नाम से जाना जाता है। सपोज मिस्टर एक्स का एज 30 साल है और ये 35 साल में इनका डेथ हो जाता है, नेचुरल डेथ होता है, और इनकी मेच्योरिटी 51 साल में होने वाली थी, लेकिन इनका डेथ हो गया 35 साल में, और इन आगे का प्रीमियम इनका माफ़ हो जाएगा, आगे प्रीमियम को भरना नहीं पड़ेगा, लेकिन LIC इनको सम एश्योर्ड का 10% हर साल देते रहेगी। जैसे कि सम एश्योर्ड का 5 लाख है तो 10% कितना हो गया 50,000, 50,000 रुपये LIC इनको, इनके परिवार को, इनकी बच्ची के लिए, लालन पालन के लिए देती रहेगी हर साल, ताकि बच्ची का एजुकेशन हो या फिर और जो भी उसके लिए हो रिलेटेड, या नॉमिनी का, नॉमिनी अपने लिए भी यूज कर सकती है, ये उनके परिवार तक हर साल 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 50,000 रुपये जाता जाएगा। 16 साल तक होता है, 16 साल में 50,000 के हिसाब से काउंट करेंगे तो 8 लाख रुपए उनके फैमिली को इस तरह से मिल जाता है। और मेच्योरिटी में वापस जो है डेथ सम एश्योर्ड क्या है 5,50,000 प्लस 5,14,500 रुपए बोनस हो गया, फाइनल एडिशन बोनस हो गया 50,000, टोटल मिला करके 11,14,500 रुपए ये उनको मिलता है वापस बच्ची की शादी के लिए जब पॉलिसी टर्म कंप्लीट हो जाता है। तो ये बेनिफिट जो है यही चीज़ है जो कि कन्यादान पॉलिसी के लिए मानी जाती है, कि पॉलिसी होल्डर का डेथ होने के बाद भी LIC उनके
पूरे परिवार के, उनके बच्चे की एजुकेशन के लिए, उनके बच्चे के लालन पालन के लिए पूरा ध्यान रखती है। ये एक गुण है जिससे लोग इसे कन्यादान पॉलिसी के नाम से जानते हैं। सो इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैंने आप सबको बताया है कि अमाउंट जो भी मिलेगा, जो भी मेच्योरिटी मिलता है, ये आप अमाउंट बच्चे की शादी के लिए भी रख सकते हैं या फिर आप अपने लिए नॉमिनी है अपने लिए यूज कर सकती है, ये आपकी आवश्यकताओं पे डिपेंड करता है। सो ये कैलकुलेशन जो है एक आज के हिसाब से कैलकुलेशन है, फ्यूचर में ये कम ज़्यादा हो सकता है, सो ये डिपेंड करता है। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सब ये ज़रूर समझ गए होंगे। अगर जैसे इसमें अगर वो मिस्टर एक्स ने टर्म राइडर भी लिया होता, टर्म राइडर प्लान लिया होता, तो उसमें 1-5 लाख का उनको एडिशनल रिस्क कवर भी मिलता था। एक्सीडेंटल बेनिफिट तो उन्होंने लिया है जिसमें 5 लाख उनको एक्सीडेंटल भी बेनिफिट मिला। सो ये सारे फीचर्स बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं और बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। आप सब ज़रूर इस पॉलिसी को ज़रूर अपने LIC किट में डालिए। और प्लान नंबर 933 न्यू जीवन लक्ष्य प्लान। आई होप आप सब लोग ये सब पूरा डिटेल समझ गए होंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।